What's up guys, मेरा नाम है शोइकोत और गाइस ये वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में मैं बोलूंगा MWC 2018 में सैमसंग, नोकिया, LG, मोटोरोला, शाओमी और बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनी अपना कौन सा स्मार्टफोन को करेगा लॉन्च MWC 2018 में। और गाइस मैं बोलने वाला हूँ कि हम उस डिवाइस में क्या आशा कर सकते हैं, स्पेसिफिकेशन हम क्या देखेंगे उन डिवाइसेस में। तो गाइस MWC 2018 शुरू होगा 26 फरवरी से और चलेगा 1 मार्च तक। और गाइस हम देख पाएंगे सैमसंग गैलेक्सी S9 की सीरीज, मोटो G6 सीरीज और नोकिया 9 की जैसा मेजर स्मार्टफोन जो कि होगा लॉन्च MWC 2018 में। तो गाइस अगर आप लोग ये टॉपिक जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एकदम एंड तक देखते रहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस बात करें अगर सबसे पहले सैमसंग की, तो हम देखने वाले हैं, ये एकदम कन्फर्म होकर आ चुका है कि हम देखने वाले हैं MWC 2018 में सैमसंग करेगा लॉन्च अपना गैलेक्सी S9 सीरीज। जी हाँ, हम देखने वाले हैं MWC में सैमसंग करेगा लॉन्च अपना सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस डिवाइसेस। और गाइस बात करें अगर सैमसंग गैलेक्सी S9 सीरीज की डिजाइनिंग की, तो गाइस ये स्मार्टफोन होने वाला है एकदम S8 की जैसा, एकदम S8 के जैसा डिजाइन हम देखने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S9 सीरीज में। और रिपोर्ट ये बता रहा है कि ये डिवाइस होगा बहुत ही थिनर एज कम्पेयर टू प्रीवियस सैमसंग गैलेक्सी S8। और हम देखने वाले हैं इन दोनों डिवाइस में डुअल कैमरा सेटअप, और हम देखेंगे सैमसंग गैलेक्सी S9 में 5.8 इंच का एक डिस्प्ले और देखेंगे सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस में 6.2 इंच का एक डिस्प्ले। और दोनों डिवाइस ही हमें देखने को मिलेगा एस्पेक्ट रेशियो होगा जो वो होगा 18.5:9 एस्पेक्ट रेशियो में आएगा ये दोनों डिवाइस। और गाइस इन टर्म्स ऑफ कैमरा स्पेसिफिकेशन सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस में होने वाला है मेजर चेंजेस। हम देखने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस में वेरिएबल f1.5 का अपर्चर, और हमें देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस में सुपर स्लो मोशन फीचर, बेटर लो लाइट फोटोग्राफी और 3D इमोजी फीचर। और गाइस इन दोनों डिवाइस का फ्रंट कैमरा काम करेगा आईडी स्कैनर का ऑन सैमसंग गैलेक्सी S9 सीरीज। और गाइस अगर आप लोग इस डिवाइस के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इस डिवाइस के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो पहले बना चुका हूं, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस आप बात करते हैं नोकिया की, तो MWC 2018 में नोकिया करने वाला है अपना बहुत सारे स्मार्टफोन को अनवेल, जो कि है फ्लैगशिप डिवाइस नोकिया 9, नोकिया 8, नोकिया 7 प्लस जो कि है मिड रेंजर डिवाइस, नोकिया 4, नोकिया 1 और नोकिया 33 104G वर्जन। तो गाइस बात करते हैं एक एक करके इन डिवाइसेस के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं नोकिया 33 104G वर्जन के बारे में। तो इस डिवाइस में हमें देखने को मिलेगा 256 MB का रैम और 512 MB का इंटरनल स्टोरेज, और देख पाएंगे 64 GB का माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करेगा नोकिया 33 104G वर्जन में। और गाइस ये डिवाइस रिसेंटली लॉन्च हुआ है चाइना में और हम देख पाएंगे इसे MWC 2018 में भी। तो गाइस आप बात करते हैं नोकिया 1 की, तो गाइस ये है नोकिया का सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन जो एंड्रॉइड गो का हिस्सा है। हमें देखने को मिलेगा इस नोकिया 1 डिवाइस में HD स्क्रीन, 1GB का रैम और 8GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज। और नेक्स्ट जो आता है स्मार्टफोन वो है नोकिया 4, और इसमें हमें देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 का चिपसेट और एक बहुत ही इम्प्रूव्ड नोकिया, टिपिकल नोकिया की तरह डिजाइनिंग भी। और आप बात करते हैं नोकिया के मिड रेंज स्मार्टफोन के बारे में जो कि है नोकिया 7 प्लस। तो गाइस ये डिवाइस आएगा एंड्रॉइड 1 के साथ, और देखने को मिलेगा इस डिवाइस में एक अच्छा सा डुअल कैमरा सेटअप और बहुत ही थिनर बेजल, और देखने को मिलेगा इस डिवाइस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट। और गाइस अगर आप लोग नोकिया 7 प्लस के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो पहले मैं इस डिवाइस के बारे में डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूं, आप चाहे तो देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एज ऑलवेज। तो गाइस आप बात करते हैं नोकिया 8 2018 वर्जन के बारे में जो जाना जाएगा नोकिया 8 प्रो के नाम से भी, और इस डिवाइस में हमें देखने को मिल सकता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 का चिपसेट, साथ ही साथ 12 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप, और देखने को मिलेगा 3250 mAh के बैटरी कैपेसिटी नोकिया 8 प्रो डिवाइस में, और जो सपोर्ट करेगा फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज को भी। तो गाइस आप बात करते हैं नोकिया की फ्लैगशिप डिवाइस के बारे में जो कि है नोकिया 9, और गाइस ये डिवाइस होने वाला है बहुत ही कमाल का डिवाइस जिसमें हमें देखने को मिल सकता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट और 5.5 इंच का OLED डिस्प्ले, 128 GB का इंटरनल स्टोरेज और 3250 mAh का बैटरी कैपेसिटी जो सपोर्ट करेगा फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज को भी, और हमें मिलेगा ये डिवाइस एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स। और गाइस एक लीक ये बता रहा है कि नोकिया 8 प्रो और नोकिया 9 होने वाला है एक ही डिवाइस, सो वी विल हैव टू वेट टिल MWC टू फाइंड आउट व्हिच मॉनिकर HMD ग्लोबल गोस विथ। तो गाइस आप बात करते हैं मोटोरोला की, तो मोटोरोला इस बार MWC 2018 में अपना बहुत सारे स्मार्टफोन को करने वाला है लॉन्च जो कि है फ्लैगशिप डिवाइस मोटो Z3, मोटो X5 और मोटो G6 सीरीज भी। तो गाइस हमें देखने को मिलेगा मोटोरोला की तरफ से मोटो Z3, Z3 प्ले
मोटो X5, मोटो G6, G6 Play और G6 Plus डिवाइस MWC 2018 में। और गाइस अगर आप लोग इन डिवाइसेज के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो पहले मैं इन सब डिवाइस के बारे में सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए जरूर, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एज ऑलवेज। तो गाइस आप बात करते हैं सोनी के बारे में। तो गाइस सोनी इस बार अपना एक्सपीरिया XZ1 का सक्सेसर जो है XZ2 वो करने वाला है लॉन्च MWC 2018 में। और इस डिवाइस में हमें देखने को मिल सकता है 5 इंच का एक डिस्प्ले जो आएगा 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। और उस डिवाइस में हमें देखने को मिलेगा USB टाइप सी पोर्ट भी। और गाइस सोनी एक्सपीरिया की XZ सीरीज का बहुत 3 वेरिएंट MWC 2018 में लॉन्च हो सकता है जो कि है प्रीमियम, प्लस और एस वर्सन। तो हमें वेट करना होगा MWC तक और देखना होगा कि क्या लॉन्च करता है सोनी कंपनी। तो गाइस आप बात करते हैं ASUS के बारे में। ASUS करने वाला है लॉन्च अपना नेक्स्ट जनरेशन ASUS ZenFone 5 स्मार्टफोन जो कि होगा एक फ्लैगशिप डिवाइस। और ये डिवाइस हमें मिलने वाला है MWC 2018 में। और जो स्पेसिफिकेशन इस डिवाइस का लीक हुआ है वो हमें बता रहा है कि इस डिवाइस में हमें देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट, 6GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज। और ये डिवाइस आएगा 18:9 एस्पेक्ट रेशियो फॉलो करके। और गाइस ये डिवाइस आएगा एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स भी। और गाइस MWC 2018 में ASUS कर सकता है अपना ZenFone 5 लाइट को लॉन्च जो कि होगा एक मिड रेंजर स्मार्टफोन। और हमें उसमें देखने को मिल सकता है क्वाड कैमरा सेटअप, जी हाँ 2 कैमरा ऑन फ्रंट एंड 2 कैमरा ऑन बैक। तो गाइस हमें करना होगा वेट देखने के लिए कि ASUS क्या प्रेजेंट करता है MWC 2018 में। और गाइस आप बात करते हैं LG के बारे में। तो गाइस LG करने वाला है MWC 2018 में अपना LG V30 का सक्सेसर जो कि है LG V30S वो करने वाला है लॉन्च MWC 2018 में। और इसमें हमें देखने को मिल सकता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट, साथ ही साथ 256GB तक इंटरनल स्टोरेज। तो देखते हैं क्या प्रेजेंट करता है LG MWC 2018 में। तो गाइस आप बात करते हैं Xiaomi के बारे में। तो गाइस Xiaomi MWC 2018 में करेगा लॉन्च अपना Xiaomi Mi Mix 2 का सक्सेसर जो कि है Xiaomi Mi Mix 2S। और गाइस ये एकदम कॉन्फर्म होकर आ चुका है। और गाइस ये है एक फ्लैगशिप डिवाइस जिसमें हमें देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट, 8GB रैम, 256GB का इंटरनल स्टोरेज। और हमें देखने को मिलेगा ये डिवाइस आएगा 5.99 इंच में, इसका डिस्प्ले होगा 5.99 इंच का और आएगा 18:9 एस्पेक्ट रेशियो फॉलो करके। और गाइस MWC 2018 में Xiaomi करेगा लॉन्च अपना Xiaomi का सर्ज S2 चिपसेट लॉन्च। और ये रूमर है कि हमें देखने को मिलेगा Xiaomi का 6X में ये चिपसेट। तो हम आशा कर सकते हैं कि Xiaomi 6X हमें मिले MWC 2018 में। और Xiaomi Mi 6X जाना जाता है Xiaomi Mi A2 के नाम से भी, हमें मिल सकता है ये MWC 2018 में Xiaomi Mi A2 भी। तो गाइस आप बात करते हैं HTC के बारे में। तो गाइस HTC करने वाला है अपना MWC 2018 में HTC Desire 12 स्मार्टफोन को रिलीज, जिसमें हमें देखने को मिल सकता है 5.5 इंच का एक डिस्प्ले जो आएगा MediaTek प्रोसेसर के साथ। और हमें देखने को मिलेगा 3GB का रैम। और ये डिवाइस सपोर्ट करेगा, रूमर है कि 2TB तक एक्सटर्नल मेमोरी को। और हमें मिलेगा HTC Desire 12 डिवाइस में 12MP का रियर कैमरा सेटअप और 5MP का फ्रंट कैमरा सेटअप। और देखने को मिलेगा HTC Desire 12 डिवाइस हमें 2730mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ। तो देखते हैं क्या रिप्रेजेंट करता है HTC MWC 2018 में। और गाइस एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि MWC 2018 में कर सकता है नोकिया ZTE हुई 5G रिलेटेड अनाउंसमेंट जो होने वाला है बहुत ही कमाल का। तो देखते हैं MWC 2018 में हमें क्या क्या डिवाइस मिलता है और क्या क्या अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिलता है। और गाइस आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप MWC 2018 के बारे में क्या सोचते हैं और आप कौन सा डिवाइस में इंटरेस्टेड है। तो गाइस बस इतना ही इस वीडियो में, आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब, और पास में जो बेल बटन है उसे भी दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको मिले क्विक नोटिफिकेशन। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दो यार, लिंक सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, मेरा नाम है शोइको, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।